हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द नसाबन में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फोन्स के बारे में जो कि आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए के अंदर। और आज इस लिस्ट में हमने पांच फोन को डाला है जो कि इस बजट में सबसे बढ़िया फोन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर इस रेंज में कौन से फोन मिल जाते हैं। अगर कोई लेना चाहता है 7000 रुपये में एक बढ़िया सा फ़ोन जहां पर आपको मिले बड़ा सा डिस्प्ले, बड़ा सा कैमरा और डिस्प्ले भी लाजवाब वाला हो, नॉच वाला डिस्प्ले हो, पीछे डुअल कैमरा हो, तो सब आपकी ख्वाहिश पूरी होंगी यहां पर। जस्ट आप आज का पूरा वीडियो देखते रहो। तो हम जानेंगे आज की कौन से वो पाँच फ़ोन है जो कि हमें 7000 रुपये में मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस प्रज्ञा प्रिया के पास और जान लेते हैं इन पाँचों फ़ोन कौन से हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि अवेलेबल है अंडर 7000 रुपीस। सो अकॉर्डिंग टू द 117, नंबर 5 पे है माइक्रोमैक्स U8 जिसकी प्राइस है 5999। अगर रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इसमें है 2GB रैम प्लस 16GB इंटरनल स्टोरेज जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 128GB। इसमें आपको 5.45 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद 18:9 एस्पेक्ट रेशियो जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही आपको मिलेगा 4000mAh बैटरी एंड अ 13MP रियर कैमरा एंड 5MP फ्रंट कैमरा एंड बोथ आर अवेलेबल विद फ्लैश। प्रोसेसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा MediaTek 6739 क्वाड कोर प्रोसेसर विद 1.5 GHz क्लॉक स्पीड। OS आपको मिलेगा Android Oreo 8.0। नंबर 4 पे Lenovo A5 अगेन जिसकी प्राइस है 5999। तो यहाँ अवेलेबल है 2GB रैम प्लस 16GB इंटरनल स्टोरेज जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 256GB एंड कम्स विद अ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। यहाँ पे आपको मिलेगा 5.45 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। रियर कैमरा आपको 13MP का मिलेगा विद फ्लैश एंड अ 5MP फ्रंट कैमरा। बैटरी आपको 4000mAh की मिलेगी एंड अगेन MediaTek 6739 क्वाड कोर प्रोसेसर बट विथ 1.3 GHz क्लॉक स्पीड। OS आपको मिलेगा ZUI 3.9 Lite जो कि Android 8.1 पे बेस्ड है। एडिशनली Lenovo A5 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है। नंबर 3 पे है Redmi 6A एंड ये भी सेम ही प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल है, दैट इज 5999। यहाँ भी आपको सेम ही रैम एंड स्टोरेज मिलेगा 2GB प्लस 16GB एंड एक्सपेंडेबल अप टू 256GB एंड अ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। डिस्प्ले आपको HD प्लस 5.45 इंचेस का मिलेगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। कैमरा आपको 13MP रियर कैमरा अवेलेबल है विद फ्लैश एंड 5MP फ्रंट कैमरा। प्रोसेसर यहाँ आपको मिलेगा MediaTek Helio A22 क्वाड कोर प्रोसेसर विद 2.0 GHz क्लॉक स्पीड। बैटरी Redmi 6A में आपको मिलेगी 3000mAh एंड एडिशनली फेस अनलॉक फीचर भी अवेलेबल है। OS यूज्ड है MIUI 9.6 बेस्ड ऑन Android 8.1। नंबर 2 पे है रिसेंटली लॉन्च्ड ASUS ZenFone Lite विद 5999 प्राइस टैग। यहाँ भी आपको 2GB रैम प्लस 16GB इंटरनल स्टोरेज अवेलेबल है जो कि 256GB तक एक्सपेंडेबल है और यहाँ भी डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है एंड अगेन 5.45 इंचेस HD प्लस डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। कैमरा यहाँ 13MP का है विच इज़ द रियर कैमरा एंड अ 5MP फ्रंट कैमरा। यहाँ आपको 3000mAh बैटरी मिलेगी एंड प्रोसेसर यूज हुआ है स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टा कोर 1.4 GHz क्लॉक स्पीड के साथ। साथ ही OS है ZenUI 5.0 बेस्ड ऑन Android 8.0 Oreo प्लस फेस अनलॉक फीचर एंड द वेट इज ओवर। अनडाउटेडली नंबर 1 पे है Realme C1 बिकॉज अभी इट इज द बेस्ट स्मार्टफोन अवेलेबल अंडर 7000 जो कि आपको 6990 रुपीज में मिल जाएगी। टॉकिंग अबाउट द रैम एंड स्टोरेज, यहाँ देखने को मिलता है 2GB रैम प्लस 16GB इंटरनल स्टोरेज जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 256GB। The best thing about this device is its display. 6.2 inches HD plus notch display. First ever notch display under 7000. Camera bhi aapko dual rear dekhne ko milega which is 13MP plus 2MP. Front camera 5MP hai. Saath hi Snapdragon 450 ka octa-core processor with 1.8 GHz clock speed. Battery bhi aapko 4230mAh dekhne ko milegi. OS hai ColorOS 5.1 based on Android Oreo 8.1. And that's it for today. We are done with the details and we hope ki aapki sabhi queries and confusions dur ho gaye hon. Do make a choice. Link description mein hai and enjoy your purchase.
तो आपने देखा कि आपके लिए कौन सा वाला फोन सही है। आपको यहाँ पर 5 ऐसे फोन मिल जाते हैं जो कि 7000 रुपए के अंदर मिलता है। अगर आपका बजट 7000 है तो भाई आप Realme C1 ले लो, क्योंकि इस बजट में सबसे बढ़िया फोन वही है। यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 450 वाला प्रोसेसर, वो ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, साथ ही साथ यहाँ पर एक नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, जो यहाँ पर सबसे आपको खास बात मिलता है। यहाँ पर आप देखो 6.2 इंचेस का एक बड़ा वाला डिस्प्ले मिलता है, और डिस्प्ले देखो लाजवाब वाला डिस्प्ले है। सो मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आपका बजट है 7000 रुपया तो आप Realme C1 ले लो, और इसमें आपका थोड़ा बहुत PUBG भी चल जाएगा लो ग्राफिक्स पे, आप PUBG खेल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि इन बजट में जो भी फोन लेना चाहते हैं वो उनका यहाँ पर डाउट क्लियर हो और वो एक बढ़िया सा फोन ले सके। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे उन फोन्स के जो कि आप यहाँ पर ले सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलना। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो दोस्तों मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।